स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 4. चैप्टर नेम क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स. आज हम चैप्टर 4 रीडर एक्सप्लेन करेंगे. क्वेश्चंस मीन्स जो कोई भी हम लोग क्वेश्चन किसी से भी पूछते हैं तो वो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, और जब उन क्वेश्चंस का हम आंसर देते हैं तो वो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं. एग्जाम्पल, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो आप आंसर देते हैं माय नेम इज राघव. तो ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं, और जब उन क्वेश्चंस का हम आंसर देते हैं तो ये हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं. ऐसे ही कुछ एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है, उन्हें हम रीड करते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू ईटिंग. सेकंड, वेयर डू यू लिव. थर्ड, कैन यू क्लाइंब अ ट्री. फोर, व्हेन डू यू टेक अ बाथ. 5. Where is the red fort? 6. What is your father? These sentences ask question. ये sentences हमसे क्या कह रहे हैं? Questions पूछ रहे हैं. So they are questions. We use a question mark at the end of a question. जब कभी हम कोई question पूछते हैं तो हम last में कौन सा punctuation mark use करते हैं? Question mark. Questions are asked to get information or to know about something. Questions हमसे ये हमारे information के बारे में पूछता है. Hence, every question has a answer. और हर एक question का एक answer होता है. Now, read the answer to the question given above. जो question हमारे ऊपर दिए हुए हैं उन्हीं का answer हमें नीचे दिया हुआ है statements के रूप में. फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट आर यू ईटिंग. तो हमारा आंसर है, आई एम ईटिंग अ मैंगो. अब उसका ये हमारा आंसर है, तो ये हमारा, इसे हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट्स. आपके पेरेंट्स भी आपसे पूछते होंगे, वेयर आर यू गोइंग, तो आप बताते होंगे आई एम गोइंग टू मार्केट. तो वो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारे क्वेश्चंस हैं, और जो हम आंसर देते हैं वो हमारे स्टेटमेंट्स हैं. सेकंड क्वेश्चन था, वेयर डू यू लिव. आंसर है, आई लिव एट मेरठ. थर्ड क्वेश्चन, कैन यू क्लाइंब अ ट्री. नो, आई कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री. फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन डू यू टेक अ बाथ. आंसर, आई टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग. फाइव क्वेश्चन, वेयर इज अ रेड फोर्ट. द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली. व्हाट इज योर फादर. माई फादर इज अ डॉक्टर. इट मीन्स हर एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है. ऑल दिस सेंटेंसेज आर सिंपल सेंटेंसेज. ये हमारे जो सेंटेंसेज दिए हुए हैं वो हमारे क्या हैं? सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट्स. वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है स्टेटमेंट के, तो हम लास्ट में पंक्चुएशन मार्क में यूज़ करते हैं फुल स्टॉप. ऑल द सेंटेंसेस वेदर दे आर क्वेश्चन और स्टेटमेंट्स बिगेन विद अ कैपिटल लेटर. जब भी हम किसी से क्वेश्चन या आंसर करते हैं तो हम राइट करते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में राइट करते हैं. सो ऐसे ही आप भी क्वेश्चन और स्टेटमेंट्स चैप्टर 4 को रीड करेंगे. आज की हमारी क्लास ओवर हो रही है. थैंक यू.